Fresh killings on Saturday triggered a fair flight among the non-local laborers, with scores of them planning to leave the valley at the earliest. The crisis situation escalated on Sunday when two non-local laborers were shot dead in South Kashmir's Kulgam district. इस टाइम तो हालात खराब होते जा रहा है, उसके वजह से भी कुछ डर है ही है, जाना तो है, इधर क्या करेंगे, क्योंकि ऐसे जा रहे हैं ना, ऐसे यहाँ डर लगता है, ऐसा हफ्ता आ रहा है, बोलते वापस ही आ जाओ, फिर हालात ठीक होगा, फिर देखेंगे क्या करना नहीं करना। सामान वामान था उसको फेंकना पड़ा, 15-17 हज़ार का सामान था। Notably, 11 civilians have been killed in targeted killings in last 15 days in Kashmir, including 5 non-local labourers. Rattled by these attacks, these migrant labourers have expressed strong intentions to temporarily leave the valley. यहाँ का लोगों ने तो कुछ नहीं बोला, पुलिस वाले बोलते हैं आप लोग घर से मत निकलो, बाहर मत निकलो, तो हम लोग सोचे यहाँ बैठ के क्या करेंगे, अपने घर में रहेंगे। मसला यही, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, थोड़ा सामान वान था उसको फेंकना पड़ा, 15-17 हज़ार का सामान था, ये न्यूज पे सुना और अगल बगल का बंदे सब बता रहा है। अगर बोर डब्बे वाले को मारे थे हवल में, तो उसके लिए हम लोगों को थोड़ा कोई ऐसा नहीं था, सोचे किसी तरह धोखाधड़ी में ऐसा हो सकता है, लेकिन अब जब देखे माहौल, जब इधर ईदगाह में हो गया, इधर कुलगाम में हो गया, फिर घर घुस के मार दिया, फिर हम लोगों को खूब डर बहुत सारी हो गया, इसलिए हम लोग अब चलेंगे, बाकी हम लोगों के पास है नहीं कुछ, अब जो होगा रास्ते में जो होना है हो जाएगा। Since the beginning of this year, 32 civilians have been killed in Kashmir. Out of these 32, 5 belong to the local minority community and 6 were the non-local laborers.